नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से हम हाजिर हैं यूपी विधानसभा चुनाव का एक महासर्वे और लेकर। लगातार हम आपसे रूबरू हो रहे हैं, लगातार हमने आपको 5 सर्वे दिखाए हैं। हमने कहा था अभी एक ही एजेंसी द्वारा 8 लगातार अलग अलग सर्वे किए गए थे और उस 8ों में जिस प्रकार का रिजल्ट आया है वो हमने आपको एक एक करके बताया। पिछले 5 सर्वे का लेखा जोखा हमने आपके सामने पेश किया था। अगर मोटा मोटी हम तब अगर फटाफट में आपको बताएं तो उन 5ों सर्वे में आदर्श को जहां पहले सर्वे में 19, दूसरे में 13, तीसरे में 21, चौथे में 15 और पांचवे में 16 सीटें जो आ रही थी, वहीं INC को जहां पहले सर्वे में 18, दूसरे में 11 और तीसरे में 15, चौथे में 17 और पांचवे में 19 सीटें आ रही थी, वहीं BSP यानी बहुजन समाज पार्टी को पहले में 42, दूसरे में 41, तीसरे में 44, चौथे में 45 और पांचवे में 43 सीटें जो आ रही थी, और वहीं SP यानी समाजवादी पार्टी को पहले सर्वे में 52, दूसरे सर्वे में 58, तीसरे सर्वे में 62 और चौथे सर्वे में 67 और पांचवे सर्वे में 64 सीटें आ रही थी। वहीं बात करें BJP+ यानी NDA को, तो जहां पहले सर्वे में 272 सीटें आ रही थी, दूसरे में 280 आई, तीसरे में 261 हो गई, चौथे में 259 हो गई और पांचवे में 261 सीटें फिर हो गई थी। तो आज चर्चा करेंगे हम छठे महासर्वे की। लगातार हम आपके सामने सर्वे वाइज सर्वे लेके आ रहे हैं भी आखिर यूपी में कौन सत्ता में काबिज हो सकता है। 5 लगातार सर्वे सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ के फेवर में थे, यानी सीधे तौर पर कहा जा सकता है भी 5ों सर्वे जो कहीं ना कहीं योगी आदित्यनाथ को वापस CM बनता हुआ देख रहे थे। आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें और हाँ, यूपी के किसी भी शहर या किसी भी ज़िले से हो तो कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं आज के छठे सर्वे की। आखिर छठे सर्वा क्या कहता है, क्या समाजवादी पार्टी सर्वे में हावी हो पाएगी, या बहुजन समाज पार्टी, या इंडियन नेशनल कांग्रेस, या आदर्श पार्टियों का कितना जलवा रहेगा, या NDA छठे सर्वे में भी NDA कामयाब हो पाती है। चलिए शुरुआत करते हैं। अगर छठे सर्वे की बात करें तो आदर्श को 22 सीटें हुए मिलती हुई नज़र आ रही है। साफ तौर पर जो है आदर्श जो है वो धीरे धीरे बढ़त में आया है, और वहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस की अगर बात करें तो 16 सीटें जो है जो छठे सर्वे में मिलती आ रही है, और वहीं BSP यानी बहुजन समाज पार्टी की बात करें तो 46 सीटें सीधे तौर पर मिलती हुई नज़र आ रही है। वहीं समाजवादी पार्टी की अगर बात करें तो सीधे तौर पर 61 जो सीटें हैं वो समाजवादी पार्टी को मिलती हुई नज़र आ रही है। तो वहीं बात करें BJP+ यानी NDA को, तो 258 जो सीटें हैं वो सीधे तौर पर BJP के खाते में जाती हुई नज़र आ रही है। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है लगातार 5 सर्वे के बाद छठा सर्वे भी सीधे तौर पर योगी आदित्यनाथ की सरकार दोबारा बनाता हुआ दिखा रहा है। मतलब साफ तौर पर कहा जा सकता है भी योगी का जलवा जो है वो आगे भी कायम रहने वाला है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ये सर्वे सही और सटीक साबित होगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। और हाँ, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप भी योगी की सरकार चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।